तो हम पहुंच चुके हैं गांव और आज है सोमवारी, मतलब कि क्या बोलते हैं, आज तीसरा सोमवारी है। दूसरा दो सोमवारी में तो वहाँ पे थे और मेहंदी खुद से लगाई, भी कलर नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, एक बहुत अच्छा मतलब देवघर का ही एक मतलब रूप यहाँ पे भी है, मतलब क्या बोलते हैं, नाम है क्या, नाम है याद ही नहीं आ रहा है, सुकेश्वर स्थान। तो सुकेश्वर स्थान जा रहे हैं हम, चाची, भाभी, भैया, अभिषेक, अनुपम, छोटी, सब लोग जा रहे हैं। और पहले बगमती में स्नान होगा, फिर वहाँ से जल लेंगे, फिर जाएंगे, यहाँ पे पास में ही बगमती है, लोग वहाँ से स्नान करते हैं, जल लेते हैं, फिर जाते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो भी पसंद आएगा। तो अभी अगर वीडियो बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मोबाइल मतलब चोरी होता है, और चाची पिछले सोमवार की गई हुई थी, तो चाची का जितिया होता है ना, जो गले में पहनते हैं जितिया, मंगलसूत्र बेटा के लिए पहना जाता है, जितिया हमारे बिहार में पहना जाता है, वो चोरी हो गया, जो कि लगभग 50,000 से ज़्यादा का था, वो 3 टा बड़ा बड़ा बना हुआ था, 3 टा तो मतलब 50,000 से ज़्यादा कहीं रहा होगा, तो उसका तो बाद में ये करेंगे। तो चोरी हो गया, इसके लिए हम सब कुछ खोल दिए हुए हैं, लेकिन ये कान में कमरे नहीं खुल रहा, ये नहीं खुल रहा है, बाकी अंगूठी, चेन था गले का, पायल, सब हम उतार के रख दिए हैं, नाक तो पहनते नहीं हैं। और आ गया मोबाइल का बात, तो कोशिश करेंगे कि वीडियो बना पाए, लेकिन कि ज़्यादा भीड़ है और चोर उचक्के हैं, तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, इन्जॉय करेंगे, तो देखिए आगे क्या होने वाला है। हम घर से दिखाने वाले हैं, शुरू करेंगे घर से ही, घर से मतलब जब आएंगे तो सब शुरू करेंगे, ठीक है, अभी चलते हैं। हम लोग फाइनली तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, अब जाने वाले हैं, कुछ ही देर में हम लोग जाएंगे, और आपको दिखा रहे हैं, छोटी भी रेडी हो चुकी है, पागल सुन तो इधर, लेकिन वो सुनेंगे नहीं, कहीं जा रही है। और मेरे पास जो भी था हम पहन वहन के रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले बताने वाले, रंजन भाभी उनमें है, इधर है, इधर उधर उधर हुआ है, वहाँ फोटो शूट हो रहा है, फोटो चल जाता लिया है, वीडियो भी बना लिया है। तू कुछ मत दिखा, तू फोटो वोटो खींच लो भाई सब अपना अपना। हम पहुंच चुके हैं फाइनली बगमती नदी में, आप देख रहे हैं मेरे साथ भैया भाभी सब लोग आए हुए हैं, चाची भी आई हुई है, और अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उसमें जाके डुबकी लगाएंगे और उसके बाद में जल लेंगे, फिर चले जाएंगे जहाँ पे पूजा करना है वहाँ पे। तो यहाँ का तो वीडियो बन गया, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगा, मोबाइल भी चोरी हो रहा है तो पता नहीं। तो फाइनली बगमती नदी में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं इतना भीग चुका है, डर भी लग रहा है, मोबाइल का पता नहीं क्या होगा, हम बैक करके बनाना है। हम लोग उधर से आए हैं, देख रहे हैं यहाँ, अब यहाँ पे पानी कम ही कम है, अब से कितना गंदा पानी क्यों है, ये कहाँ से पानी, अच्छा मतलब कहाँ से आता है पानी, ये पानी है, साफ पानी है एकदम, अच्छा ये साफ पानी है, बोलिए भगवती मैया की जय। चलो से डुबकी लगा ना, हम रखते हैं, तो फिलहाल अभी जा रहा है, अभी तो डुबकी लगा,
रेप से किधर ही नहाओ ना, कहाँ जा रहे हो? इधर ही जाओ, उधर मत जाओ भाई, हमको डर लग रहा है। तब से एक डुबकी लगाया, दो तीन चार पाँच, हो गया भाई, हो गया तेरा, हो गया पाँच। तब से एक नहा चुका है, डुबकी लगा चुका है, उसका हो चुका है पाँच डुबकी। अब हम जाने वाले हैं, यहाँ पे तो काफ़ी कम भीड़ है, उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी कम ही भीड़ है। बहुत हम बन चुके हैं, लड़का कहाँ चला गया, इतना नहा रहा है। क्या हुआ आपसे? हाँ, जा रहे पूजा करने के लिए। अच्छा था, लेकर था मोबाइल पकड़ेगा था ना, मोबाइल लेके कैसे जाएंगे हम? पहले सुनो ना, अच्छा था, अच्छे से कर लो, अच्छा था मेरे अथी में। तो फिर क्या चीज जल फाइनली हम डुबकी लगा चुके हैं नदी में, पांच डुबकी मेरा हो चुका है। अब जल लेंगे हम लोग अंदर जा करके। तो अभी गया है जल लेने, जैसे जल लेके आएगा मैं भी जाऊंगी जल लेने, कुछ अंकल आंटी और भी आए हुए हैं, जैसा कि देख रहे हैं। ये रहा पुल, जो सीतामढ़ी से ट्रेन आती है तो यहीं से जाती है ट्रेन, बैरगिनिया उधर है उस साइड की तरफ, वह बैरगिनिया मोतिहारी उधर ही है। हो गया ठीक, जल्दी आपसे एक तो हम जल लेने के लिए पूछ रहे हैं अभिषेक से कि क्या करना है, जल लेना है, कैसे लेना है, और फिर वो मुझे बताया और फिर हम जल लिए। उसके बाद जो आगे हुआ वो आप वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा कि क्या सब हुआ, हम लोग कहाँ कहाँ गए। तो ये हम जल ले चुके हैं एक में, शंकर जी पार्वती जी के लिए लेना पड़ता है, और अभिषेक को हम बोले थे वीडियो बनाने के लिए। तो ये हम जल ले रहे हैं, ये है बागमती नदी जो कि बैरगिनिया और ढेंग के बीच में है, और बागमती नदी के उस साइड में मामा का गांव है और इस साइड मेरा घर है, मतलब मम्मी का घर। ढक्कन इसका बंद नहीं हो रहा था। चलिए फिर उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे वीडियो में, और बाबा का दर्शन हम कैसे किए भी देखेंगे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगेगा।
अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अब बहुत देर हो चुका है, इसीलिए बाहर की तरफ देख जा रहे हैं। देख लीजिए आगे का। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं नदी के बाहर। शिवा महादेवा शंभु हर हर शंभु तो सब लोग पूजा कर रहे हैं, चाची भाभी पूजा कर रही है। महादेवा शंभु हर हर शंभु महादेवा रोड में कवरिया के पूरी लगल बा आगे चली हो ना ये लगी ना हां हां गा तुम्हारा वीडियो बन रहा है। हर हर महादेव हर हर महादेव आज फिल्म में गुंडा के साथ वीडियो बना रहा है जे? गुंडा नहीं है तू, मेरा भाई है। निकल चुके हैं बागमती नदी से जाने के लिए मंदिर, मतलब कि सुकेसर धाम के लिए। ये भी एक बाबा का ही रूप है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होता है, जो लोग जो मांगते हैं वो पूरा होता है। और बहुत लंबा रास्ता है, तो हम कुछ अच्छा सीन था तो हम वीडियो बनाए, बाकी हम छोड़ दिए, वीडियो नहीं बनाए। तो थोड़ा बहुत हम आपको दिखाते चलेंगे, तो थोड़ा बहुत तो हम आपको दिखा ही सकते हैं रास्ता, क्योंकि ये अभी ढेंग से हम लोग जा रहे हैं। ढेंग गाँव है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। दोनों तरफ पेड़ है और हरा भरा सा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। किधर से गए मुझे खुद नहीं पता, गांव का नाम सब मुजफ्फरपुर में मुझे ज़्यादा पता है, मतलब मेरे तरफ का क्या कैसे है ये सब मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बाकी गाँव के नाम सब हम पूछते गए थे, भाई से भाई बताते गया था और चाची भी बता रही थी कि ये गाँव है, चाहे ये हरपुर होकर के गए थे, डुमरी हरपुर ये सब होकर के गए थे। तो अभी थोड़ा सा लंबा रास्ता है जाने में बाबा के यहाँ, देखते जाइए आप। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ क्या कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करना तो बनता है ना, अगर वीडियो अच्छा है तो शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, इंजॉय कीजिए, कितना अच्छा वीडियो बनाया।
अच्छा कितना अच्छा सीन लग रहा है ना। अच्छा ये जो बाइक पे भाभी है, अमित भैया है, छोटी है और अनुपम है, जो दो बच्चा का वीडियो हमेशा बनाते हैं, मेरा भतीजा और भतीजी है और भैया भी साथ में जा रहे हैं, दो बाइक से हम लोग गए। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ का सीन काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, गांव में आने का एक ही फ़ायदा होता है सावन के महीने में, आपको ना बहुत ही अच्छा मौसम मिलेगा और बारिश हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है ना, धान सब उगा हुआ है, काफ़ी प्यारा लग रहा है, क्या ही कहें हम, मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं, बस एक ही बात को हम बार बार बोल रहे हैं कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये गांव कौन सा है पता नहीं, कौन गांव है नहीं पता मुझे, हरपुर या रतनपुर शायद, या पता नहीं कौन सा गांव है, तो देखिए आगे का कौन कौन गांव हो के कैसे कैसे हम जा रहे हैं। सीन बहुत अच्छा मिलेगा आपको, बहुत ही खूबसूरत मिलेगा, एंजॉय आप अच्छा करेंगे उम्मीद करते हैं। कितने दिन पहुँचेंगे? यहाँ से शुरू है, यहाँ से तो अभी हम अभी से पूछें तो बताएं कि जो भीड़ शुरू हो चुका है तो यहाँ पे पास में हम आ गए हैं, सुकेश्वर स्थान के पास में आ गए हैं, तो आगे कुछ ही दूर में आने वाला है सुकेश्वर स्थान, मतलब कि भोला बाबा का मंदिर आने वाला है, तो थोड़ी देर में आ जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब यहाँ पे हम मुजफ्फरपुर में किए दर्शन, फिर हम गांव आ गए, शनिवार को हम गांव आए और उसके बाद में आज है सोमवार, सोमवार को हम आए
यहाँ पे दर्शन करने। गांव के बहुत ही पास में है, एक कुआं है, इस कुआं से लोग पानी भरते हैं, सॉरी जल भरते हैं, जल भरने के बाद लिया जाया जाता है वहाँ पे भोला बाबा का जल चढ़ाने के लिए। हम लोग तो बागमती नदी से ही जल ले लिए थे, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इस भीड़ में हम लोग को भी खड़ा रहना पड़ता है, इस कुआँ से ही जल देना पड़ता है, मतलब जल भर के ले जाना पड़ता है और देना मतलब चढ़ाना पड़ता है भोले बाबा को, पार्वती जी को। चला चला चाची कहाँ है? Come on, come on.
वहाँ पे पार्वती जी वहाँ पे अब हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि पूजा हो गया। बाहर में देख रहे हैं ऐसे मेला लगा हुआ है, मेला में वही सब भी मिलता है, कुछ लोग के लिए है बहुत अच्छा अच्छा, मतलब जो लोग लेना चाहेंगे वो सब ले सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ मिल रहा है, जो भी सामान वगैरह होता है सब कुछ मिल रहा है। और यहाँ से हम लोग घर जाएंगे, घर जाते हुए वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत थके हुए हैं, पानी हम नहीं पिए हुए हैं और बच चुका है 10:30 बज चुका है, पूजा वूजा करते हुए, तो इसके लिए अब घर जाएंगे और वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। भोला बाबा के दर्शन किए, साथ साथ आप लोग भी दर्शन किए, यहाँ के देखे नहीं हुए अगर मेरे तरफ का, तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो में मिलते हैं हम आपसे फिर से।